आइए आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ब्लू बॉल्स या ब्लू हलवा क्या होता है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर। मैं एक मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ब्लू बॉल्स या ब्लू हलवा ये जो टर्म है ये सबसे पहली बार 1916 में अमेरिका में यूएसए में कॉइन की गई थी, तैयार की गई थी। इसको एपिडाइडेमल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ये क्या होता है इसका बताता हूँ मैं, वर्णन क्या है, मतलब ये होता क्या है। कहता है कि यदि बहुत समय तक फोर प्ले कर रहे हैं, बहुत समय तक फोर प्ले कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है यूजुअली यही लोग आते हैं हमारे तरफ, और बहुत समय तक फोर प्ले करना एक्चुअली सेक्स नहीं करना, कहीं मिल गए, बगीचे में मिले, इधर उधर मिल रहे हैं और फोर प्ले कर रहे हैं, और फोर प्ले करने के समय बहुत ज़्यादा इरेक्शन भी आता है, उत्तेजना भी बहुत रहती है, मगर उनको इजैकुलेशन करने का मौका नहीं मिलता, वीर्यपतन करने का मौका नहीं मिलता, और उस समय फिर दर्द चालू हो जाता है अंडकोश में और लिंग में। और वो जो दर्द है, वो जो हेवीनेस है अंडकोश में, बहुत वैसा वजनदार लगना, दर्द होना, अनइजीनेस लगना, बेचैनी होना, ऐसा जो लगता है उसको बोलते हैं ब्लू बॉल्स। और सिमिलरली ये कंडीशन महिलाओं में भी रहती है, उसको लेते हैं ब्लू हलवा या पिंक पेल्विस या ब्लू बीन्स, जैसे अलग अलग इसको नाम है। ये होता क्यों है? देखिए, जब उत्तेजना बहुत ज़्यादा होती है तो नेचुरली ब्लड फ्लो बहुत बढ़ता है पेनिस की तरफ, लिंग की तरफ। ब्लड फ्लो बढ़ता है तो उससे इरेक्शन आता है, वैसे वो क्लाइटोरिस की तरफ भी बढ़ता है, वजाना वल्वा वहाँ, मतलब महिलाओं का जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ भी बढ़ता है। और जो अंडकोश है, नीचे दो गोले हैं अंडाशय जो है, तो उसमें भी ब्लड का फ्लो बढ़ता है। क्या होता है कि जब इजैकुलेशन हो जाता है, वीर्यपतन हो जाता है, मतलब जब सेक्स करते हैं तो नेचुरली ब्लड वापस जाता है ब्लड में। अब सेक्स किया ही नहीं है तो क्या होता है कि ये वापस जाएगा, धीरे धीरे जाएगा और बहुत समय तक वो टिका रहेगा वहाँ, मतलब इरेक्शन वहाँ है, ब्लड वहाँ है, स्क्रॉटम में भी है, अंडकोश में भी है और पेनिस में भी है। और फिर ज़्यादा समय तक ब्लड यदि वहाँ रहता है, खून वहाँ रहता है, तो फिर वहाँ दर्द चालू होता है, बहुत अनईजी फीलिंग है। अभी क्या है कि अंडकोश में जो टेस्टिकल्स है, मुझे अंडाशय जो है, तो उसमें दर्द होना ये नेचुरल है, मगर यदि मेरे पास में कोई लड़का आता है कि मुझे है ना अंडाशय में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो पहले मुझे ये देखना है कि उसको टेस्टिकुलर टॉर्शन हुआ क्या, मतलब जो अंडाशय जो है उसको कोई गठान हो गई या वो घूम गया अंदर से, उससे भी होता है और वो इमरजेंसी हो सकती है, मतलब उसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हमको वो देखना पड़ता है कि भाई इसमें कुछ ऑपरेशन वाली बात है क्या, ऐसा हो गया अंदर से वो घूम गया क्या। और फिर हम उसको पूछते हैं कि भाई लंबे समय तक फोर प्ले किया गया कि जहाँ तूने इजैकुलेशन नहीं किया है, तो ऐसे समय पे फिर वो ब्लू बॉल्स होते हैं या ब्लू हलवा होती है, और फिर उस समय उसका इलाज करना जरूरी होता है। इसका इलाज घर में हो जाता है। इलाज कौन सा है कि एक तो वीर्यपतन कर डालो, वीर्यपतन करेंगे आधा अधूरा हुआ है पूरा हुआ नहीं है तो पूरा वीर्यपतन कर डालो, एकदम रिलीफ मिलेगा। दूसरा है ठंडा स्नान करो, शावर लो, और फिर उससे भी काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। और तीसरा है कि मन भटकाना इधर उधर, पढ़ाई करना या कोई सोचना टेंशन वाली बात लाना। चौथा है कि एक्सरसाइज करना, वजन उठाना, एक्सरसाइज करो, जिम में जाओ तो ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत महत्व का है कि भाई ब्लू बॉल्स की जो इसमें मतलब इजैकुलेशन न होने से आता है, और ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है जो स्पेशली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जो सेक्स कर नहीं पाते। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, लोगों के जीवन में फ़र्क पड़ेगा, और आप अपनी खुद की चिंता करो, फिक्र करो। थैंक यू वेरी मच।